अगर आपको रोना नहीं आता, अगर आपको हंसना नहीं आता, तो फिर आप आर्टिस्ट कैसे बन पाओगे? क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं बैठ नहीं सकता चैन से। मैं नंबर 9 हूँ, मार्स की बहुत इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में, तो एक हाई प्रोटीन डाइट मैं फॉलो करता हूँ। कर्मों में बहुत बिलीव करता हूँ, गुड कर्म अगर अच्छे होंगे तो आप जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हो। हमारे साथ है प्रतीक सहजपाल, और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई एरिया नहीं होगी जो प्रतीक ने छोड़ी होगी, और आज हम उन सारी एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ मैं प्रतीक से बोलूंगी कि कुछ अपने हिडन टैलेंट भी बताएं जो हमें अब तक नहीं पता है, और काफी चर्चा में है आपकी सीरीज, देन फर्स्ट शोज, तो हमेशा जो भी आप करते हैं वो रहते ही हैं। सो वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिडन टैलेंट्स की अगर बात की जाए तो अब हिडन बचा क्या है मेरे अंदर? कुछ नहीं, क्या हिडन, इतना तो मैं नहीं बुढ़ापे, बुढ़ापा और हिडन का तो कोई टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे मैं सीटी बहुत अच्छी मारता हूँ, विसल बहुत अच्छी मारता हूँ, कोई भी गाना बजा लेता हूँ जो मुझे पता होता है। सो वो एक टैलेंट है जो काफी लोगों को शायद नहीं पता, बट हाँ। और फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ मैं, बचपन से फुटबॉल खेलता हूँ, वो पता है एग्जैक्टली। तो हिडन मैं इतना पब्लिक के सामने रह लिया हूँ कि मुझे लगता है सब कुछ पता ही है मेरे बारे में। आई एम लाइक एन ओपन बुक लाइक दैट, है ना। सो प्लस थैंक यू सो मच, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन यू नो किया फॉर द शो, इट्स गोइंग वेल, शुक्र है भगवान का। एंड या बस प्रतीक, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग? या आई रिमेंबर, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो मुझे याद है कम्प्लीटली, आई रिमेंबर, मुझे याद है एसो स्पेस के बाद मेरा एक शो था एसो स्पेस, जो विकास गुप्ता होस्ट किया करते थे। उसके बाद मैंने एक एपिसोड किया था विकास सर के साथ ही, ये इश्क नहीं आसान जी। तो वो करते हुए तो मैं एकदम स्ट्रेस्ड आउट था कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा कैमरा ऐसे लगता है फिक्शन शो में, ऐसे ये होता है वो होता है, और पसीने आ रहे थे तो मैं पसीने पहुंच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई पसीने वाइप कर दे तो कोई बुरा ना मान जाएगी, भाई इतना बड़ा एक्टर थोड़ा ना तुझे पसीने पहुँचवा रहे हैं यहाँ पे अपने, आने दे पसीने। तो मैंने मतलब उस दिन के बाद मुझे बहुत सीखने को मिला कि यार ऐसे होती है फिक्शन शो की, यू नो, शूट एंड ऑल दैट। सो दैट वाज अबाउट आई थिंक 4-5 years बैक, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड व्हेन यू स्टार्टेड द लाइक फर्स्ट शॉट काइंड ऑफ इट फॉर अस, जो मेरा फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा था वो था रोडीज के टाइम पे, जब मैं रोडीज के पीआई के लिए गया था और मैं रिजेक्ट हो गया था वहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ में, आई थिंक वो था अबाउट 2017 में शायद। सो वो मेरा पहली बार था जब मैं कैमरा के सामने आया था किसी शो पे जी, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। फिर मैंने लव स्कूल किया था, वो भी अंडे मॉल का शो है, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो तो काफ़ी अच्छा यू नो शो अच्छा चला, और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे बहुत प्यार मिला उस शो के द्वारा। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये रिजेक्शन वाला मुझे थोड़ा और जानना है, क्या था एग्जैक्टली और किस तरह से क्यों रिजेक्ट हुए थे? पता नहीं, मतलब मैं तो अपना पहली बार कैमरा को फेस किया था, मैं गया था वहाँ पे, मैंने अपना फुल ऑन एकदम 100% दिया, और मुझे लगा कि ऐसे ही होता है, आई वाज जस्ट बीइंग रियल, जैसे रियल अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं वहाँ पे बात कर रहा था, कि एकदम बैठ गया बात कर रहा हूँ, सब कुछ ऑडिशन दिया उन्होंने जो बोला, फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ किया, और पता नहीं फिर रिजेक्ट हो गया। मेरा बर्थडे था मुझे याद है, उसके 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था, जिस दिन मैंने चंडीगढ़ का ऑडिशन दिया मेरे बर्थडे वाले दिन था वो। तो मुझे लग रहा था, फुल कॉन्फिडेंस था कि यार मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया हूँ, उन्होंने मुझे बोला था कि आप चंडीगढ़ आओ, अगर आपको जेन्युइनली रोडीज में जाना है चंडीगढ़ आओ, वहाँ पे आप अगर आना चाहते हो दिल से आपको पता लग जाएगा कि आप सेलेक्ट होते हो या नहीं। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि यार चलो दिल्ली में नहीं हुआ चंडीगढ़ चले जाता हूँ। चंडीगढ़ गया, वहाँ पे बर्थडे वाले दिन मैं रिजेक्ट हो गया, सुबह से रात तक कुछ खाया नहीं, 24 घंटे हो गए थे कुछ खाए हुए, कुछ खाया नहीं, कहीं रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पे ऑडिशन देके मैं रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो आखिरी उम्मीद थी मेरी, लॉ कर रहा था मैंने, तो फैमिली को ये बोल के आया था कि भाई एक आखिरी मौका दे दो, उसके बाद जो भी है देखी जाएगी, मतलब इसमें तो मैं सेलेक्ट हो ही जाऊँगा। रिजेक्ट हो गया, अब मुझे लगा कि यार अब तो भाई क्या करूँ यार ज़िंदगी में, अब क्या होगा ज़िंदगी में। घर आके चंडीगढ़ से रात को बस में बैठा और घर आया, और बस पढ़ा रहा पूरे दिन अपने बर्थडे, मेरे बर्थडे वाले दिन पे ही मैं पूरे दिन बस पढ़ ही रहा घर पे, कि यार अब देखी जाएगी जो भी होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। यू नो वो होता है ना कभी कभार कि आपको लगता है कि यार अब क्या करना चाहिए, अब बस छोड़ दो ऊपर वाले के सामने कि भाई अब आपके हाथ में है जी, अब जो है आप देख लो, मैंने जो करना था वो कर दिया, आपको अब सौंप दिया मैंने अपने आप को, अब आप देख लो। उसके बाद फिर मैं थोड़े दिनों के लिए हिमाचल चला गया था अपने एक फ्रेंड के घर पे, तो वहाँ मुझे एक और शो के लिए कॉल आया लव स्कूल के लिए, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। फिर उसमें मैं गोवा गया, तो वो काफ़ी अच्छा चला वो शो, उसकी टीआरपी बहुत अच्छी आई और मुझे बहुत प्यार मिला उस शो से। सो वो ये कि जो होता है अच्छा ही होता है, मतलब उसमें नहीं होना था और उसके बाद इसमें होना था और ये हो गया और वो अच्छा ही हुआ। फिर पेरेंट्स ने रोका नहीं कि बॉस तुम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हो, फिर चांस नहीं मिलने वाला? क्योंकि चांस मिल गया था ऑलरेडी, मैं सेलेक्ट हो गया था, तो उनको लगा कि हो गया तो फिर जाओ अब क्या है, बस उन्होंने यही बोला, बिकॉज इन शोज में ना यू डोंट गेट पेड, आपको पैसे नहीं मिलते शुरू में। सो पैसे नहीं मिलने थे और 30 दिन रहना था, शूट करनी थी, फैमिली से दूर, फोन से दूर, हर चीज़ से दूर था, तो ये तो था ही एक कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, और बिकॉज
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर ही होती हैं, तो ये था कि कैसे मैनेज होगा क्या होगा, लेकिन बस मैंने बोला एक बार आखिरी बार करने दो। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एलएलबी वाला सबसे पहले देखा एंड आई वाज सरप्राइज कि फिर ये एलएलबी का स्टूडेंट कैसे एक्टिंग में आ गया, जो होता है तर्क वितर्क हर चीज़ में लॉजिक अपना, लॉजिक अभी भी डालता हूँ मैं ऐसी बात बोले, लेकिन वकीलों को तो अपना ही करना होता है। सो हाउ डिड दिस हैपन? नहीं, लॉ मैंने स्कूल के बाद, आई रिमेंबर मैंने एक साल ड्रॉप किया था क्योंकि मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं था किसी में, एडमिशन मिला नहीं था, तो मैंने एक साल ड्रॉप किया कि चलो सोचते हैं अब क्या करना है, एक साल में सोचते हैं। फिर मैंने लॉ के लिए क्लासेस ली और लॉ का एंट्रेंस क्रैक करके मैंने लॉ में एडमिशन मेरा हो गया था आईपी यूनिवर्सिटी में दिल्ली में, और उसके बाद फिर लॉ अच्छे से 5 साल किया। बट बैक ऑफ माय हेड मेरे हमेशा यही चलता था कि यार शाहरुख खान को देखो यार, सलमान खान को देखो, वो इतने क्या जिंदगी है, क्या क्या लाइफ है यार, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी बात कर लो, क्या लाइफ है, मतलब उनको लोग इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं उनको लोग, मुझे भी ऐसा कुछ करना है लाइफ में यार कि लोग मुझे प्यार करें। और बस मेरे बैक ऑफ द हेड यही चलता था कि जैसे ही डिग्री पूरी होगी मैं कुछ करूँगा ऐसा, यू नो, ट्राई करूँगा। और वो कुदरती, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तो मैं उससे मिला देती है यार जी। तो वही बात है, बस फिर वही हुआ। शाहरुख खान, शाहरुख का डायलॉग इंस्पायर बहुत 100% बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये डायलॉग तो मुझे मेरी लाइफ का मेन जो है ना कि किसी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिला देती है, ऐसा 100% है, ये तो होता ही है। ये स्ट्रगल कुछ देखो, अगर आसानी से कोई चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी ना तो आप कदर नहीं करोगे उसकी। अब जैसे अगर मैं सांस लेने की बात करूँ, हम सांस ले रहे हैं अभी, इतनी बड़ी बात है कि हम सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, बट क्या हम भगवान को हर वक्त शुक्र करते हैं उस बात का कि हम सांस ले रहे हैं? यार बहुत शुक्र है हम सांस ले रहे हैं, हर सांस के बाद कहाँ शुक्र करते हैं? हम नहीं करते ना, क्योंकि वो इतनी ईजिली हमारे पास आ गई, हमें सांस आ रहा है। जब बीच में कोरोना आया था तब लोग कितना साफ हवा के लिए या इन सब चीज़ों के लिए तड़प रहे थे कि यार ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, क्योंकि तब आसानी से नहीं मिल रहा था। सडनली जब हवा ख़राब होगी तब इंसानों को पता लगेगा कि सांस लेने का क्या यू नो वो होता है, वैल्यू क्या होती है। तो अगर किसी चीज़ की वैल्यू आपको तभी समझ में आएगी जब आपको संघर्ष करके मिलेगी जी। और तभी उसका फ़ायदा, तभी उसमें मज़ा आता है। तो अच्छी बात है, मेहनत करिए तभी यहाँ तक पहुँचे, और उसकी फिर कदर भी है, अपनी नज़रों में भी अपनी रिस्पेक्ट है कि यार हाँ ऐसे ही नहीं हाथों में मिल गया सब कुछ, उसकी खुशी होती है, अलग खुशी है, एग्जैक्टली कमाई है वो चीज़, कमाई है वो चीज़, राइट। कभी ऐसा भी फेज आया प्रतीक जब आपने थोड़ा कभी गिव अप करने का सोचा होगा कि अंदर? कई बार दिमाग में आता है, मतलब ऐसा नहीं कि ठान लिया कि भाई अब तो गिव अप ही करना है, कई बार दिन में ख्याल आ जाता है कि यार क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करूं, मतलब ऐसा सोचता हूं। बट फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, ये तो सिर्फ एक वो थॉट को भी ना आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं जाएगा ना इंसान तो फिर ऐसे कैसे उठेगा? अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पे चलते रहूँगा तो इससे ऊपर तो कुछ है ही ना जी। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तभी मैं वापस ऊपर आ पाऊँगा, सो वो भी ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो तो इससे ऊपर आप कहीं जा ही नहीं सकते, तो वो आपके वेरिएशन आएगी नहीं इमोशन में, बट आपको यहाँ पे आना ज़रूरी है ताकि आप यहाँ से ये फील करके वापस ऊपर जा पाओ, उसकी भी हाई अलग होती है, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ज़िंदगी में हर एक इमोशन एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, एक हर एक फेज़ हर एक इमोशन एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप एक अच्छे एज अ आर्टिस्ट कह रहा हूँ, एज एन आर्टिस्ट आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अगर आपको रोना नहीं आता, अगर आपको हंसना नहीं आता, तो फिर आप आर्टिस्ट कैसे बन पाओगे? फिर आपको पता ही नहीं कि रोना कैसे है भाई, हंसना कैसे है, तो आपको कल को कैमरा के सामने अगर हंसना रोना पड़ेगा तो आप कैसे कर पाओगे वो चीज़? तो वो ज़रूरी है इमोशंस, रॉकस्टार में बोलते हैं ना वो कि दिल टूटना ज़रूरी है, सो रोज़ थोड़ा थोड़ा दिल टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट जोड़ना आना चाहिए, टूटने के बाद जुड़ना आना चाहिए। आप फिटनेस में बहुत ध्यान देते हैं जी, प्लीज़ ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला इसके लिए? कोई शाहरुख खान जैसा, सलमान खान जैसा कोई है कि बचपन से ही? सो मुझे बचपन से ना पहले फुटबॉलर बनना था कि फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो मैं बहुत फुटबॉल खेलता था बचपन में भी, एंड मैं नंबर 9 हूँ। मार्स की बहुत इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में, और मार्स एक बहुत ही फायरी और पैशनेट प्लानट है जो बहुत एनर्जेटिक होता है, तो बहुत एनर्जी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं बैठ नहीं सकता चैन से, मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, मुझे लगता है कि मैं बैठ, मुझे बस कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी निकालनी होती है, नहीं तो मुझसे ना मुझे वो होता है अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार एनर्जी चाहिए, मुझे निकालनी है एनर्जी बहुत है। सो इसलिए एक ये बहुत ही अच्छा एक वो है यू नो तरीका अपनी एनर्जी को निकालने का, और बॉडी मुझे लगता है कि यू नो कुदरती हमारे पास एक शरीर है जी। उसको हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे रखें, और एज एन आर्टिस्ट भी हम अपने आप को जितना मर्जी फिट रखें, जितना अपनी बॉडी को एक अच्छा दिखाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है जी। क्योंकि ये शरीर दिया है, अगर मैं इसको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे नहीं रखूंगा तो मतलब मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ। सो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो क्या रूटीन होता है आपका फिटनेस वाला स्पेशली? एक तो सुबह उठते मैं खाली पेट एक जूस पीता हूँ जिसमें चकुंदर, खीरा, अपना अदरक, आंवला, पुदीने के पत्ते और अपना लौकी, ये सब कुछ होता है जिसमें, और इसके मैं इतना बड़ा ग्लास पीता हूँ एक जूस का एवरी मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक ही मैं पीता हूँ। उसके बाद ज़ीरा, मेथी दाना, सौंफ और हाँ इन सब का पानी विद
दालचीनी और नींबू डाल के पीता हूँ, और उसके अलावा मेरी डाइट चलती रहती है जो कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ। तो एक हाई प्रोटीन डाइट मैं फॉलो करता हूँ, और बस यही है। और बाकी वर्कआउट करते हैं और अच्छी डाइट पे फोकस करते हैं। ऐसा है कि कुछ अगर बाहर से भी खा लिया तो कुछ उसका वो नहीं है कि यार क्यों खा लिया, क्या है क्या नहीं है, बट मुझे पता है कि इसको कैसे इस हिसाब से रखना है कि मेरी बॉडी उसको एडजस्ट कर पाए। ये तो मैं पूरा नोट डाउन करने वाली हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, आप सबको करना चाहिए। अभी तक मैं बीटरूट, गाजर एंड टोमेटो का ऐसा सूप बना के, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी है। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत हेल्दी है, और आपको पता लग जाएगा विद इन कुछ वीक्स में ही आपको फील हो जाएगा कि अच्छा मेरी स्किन, मेरी जो ऑर्गन्स हैं बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। सो वो चीज़ है, एनर्जी तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कोई चीट करना रहे, जिस दिन आपको चीट मिल रहा है उस दिन ऐसा कौन सा फूड होता है जिसके लिए आप प्रेप करेंगे और वो आई मीन चलो आज तो ये खाना है? मैं कभी भी चीट कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मतलब रिलेशनशिप्स में नहीं बट डाइट पे मैं कभी भी चीट कर लेता हूँ। नहीं मैं कभी भी चीट कर लेता हूँ। मुझे अगर पिज्ज़ा खाना है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं होल व्हीट पिज्ज़ा खाऊँ। अगर मुझे बर्गर खाना है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं होल व्हीट बर्गर खाऊँ। जो मेरी डाइट भी है ना, अगर मैं चीट भी करता हूँ तो होल व्हीट ही खाता हूँ। मैं मैदा नहीं खाता, मुझे शौक ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं मैदे वाले नूडल्स नहीं खाता, मैं मैदे वाले छोले भटूरे नहीं खाता क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है। और यू नो मैं हर चीज़ का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेता हूँ और मैं वो खा लेता हूँ, और उसमें वो चीट भी हो जाता है एक, और एक हेल्दी चीज़ भी रहती है। ऐसा नहीं है कि यू नो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर लिया। सो यार प्लीज टेल मी कहाँ से इंस्पिरेशन है, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है जो मैंने आपके बारे में पढ़ा हुआ है, बट मैं आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगी कितने टैटूज हैं और किसी को डेडिकेशन है क्या है? सो ये टैटूज जो मैंने करवाए थे तब मुझे इतना कुछ इनके बारे में आइडिया नहीं था कि मैंने क्या करवाया, बट पता नहीं दिमाग में आते गए तो मैं करवाते गया। एक पे लिखा है कर्म एंड मोक्ष, जो कि मैं बहुत, मुझे ओवर टाइम रियलाइज हुआ कि ये जो सारे टैटूज हैं मेरी लाइफ में बहुत मीनिंग रखते हैं। या तो मेरे करवाने के बाद मेरी लाइफ में इनका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं कर्मों में बहुत बिलीव करता हूँ, यू नो गुड कर्मा, मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आप जिंदगी में हर चीज़ हासिल कर सकते हो और आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो आप किसी का दिल मत दुखाओ, और देखो यही है कि कर्म अगर आप जैसे करोगे वैसे आपको मिलेगा। सो अच्छे कर्म करो और अच्छी चीज़ें, अच्छे चीज़ों पे फोकस करो, दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार रखो क्योंकि वही आपको वापस आएगा। मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, तो अल्टीमेटली वो बैलेंस क्रिएट होगा अच्छे और बुरे कर्मों में, वो शून्य होगा तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक ये चीज़ है। फिर एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए एक इंसान में, मेंटली फिजिकली हर तरीके से स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आप अपने यू नो लाइफ में हर सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को उठा पाओ और यू नो हर चीज़ कर पाओ। फिर ये मेरा पहला टैटू है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। मैं जब छोटा था, जब मुझे फुटबॉलर बनना था, तो मुझे ये था कि ये बस मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो जिस मुकाम तक पहुँचे हैं अपनी माँ को सपोर्ट करते हुए, उन्होंने अपनी मम्मी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था ज़िंदगी में कि मुझे ये लड़की अगर मेरी मम्मी के साथ यू नो पसंद नहीं करेगी तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ लाइफ में। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड यू नो जिस लेवल पे वो पहुंच गए आज भी अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने बोला कि यू नो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कल्चर फॉलो होता है कि आप एक पॉइंट के बाद अपनी फैमिली से अलग रहते हो, कि बड़े जब 18 साल का लड़का हो गया या लड़की होगी तो वो अपनी फैमिली से अलग रहने लग जाते हैं यू नो इंडिपेंडेंटली। तो उनसे पूछा कि आप इतने बड़े हो गए अभी भी अपनी मम्मी के साथ क्यों रहते हो? तो उसने बोला कि मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे बनाने में लगा दी, अब मैं इतना बड़ा या जितना भी बड़ा हो गया मेरी माँ तो मुझसे बड़ी और मेरी माँ ही रहेगी ना, तो मैं उनके साथ नहीं रह रहा, वो मेरे साथ रह रही है और वो उनका पूरा हक है मेरे साथ रहने का। सो मुझे वो बहुत टच करती है वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत मॉरल्स हैं उनमें, अच्छे मॉरल्स हैं, एक अच्छे यू नो उनको बहुत अच्छी यू नो रिस्पेक्टेबल इंसान है और रिस्पेक्टफुल है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की। सो और बाकी शेर है, एक काम एकदम पेशेंट, एकदम जिसे कहते हैं ना शांत शेर है, बहुत ताकतवर है बट ज़रूरी नहीं है कि घुर्राए, शांत होना चाहिए इंसान को, ताकत उसी में होती है शांति में ही। ये हाथी है, हाथी भी जंगल का बहुत यू नो पावरफुल एनिमल होता है, या गणपति कह लो, अपने आप ही पता नहीं क्यों मेरे को ख्याल आया कि ये बनवाना है। और मुझे जब मैंने ये बनवाया ना तो ऐसा मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं बैठा हुआ था और मैं बस ऐसे ही ध्यान लगा के बैठा हुआ था और मुझे ना सडनली इतना बड़ा चेहरा गणपति का दिखाई दिया अपनी आंखों के सामने, हाफ फेस गणपति का, पता नहीं कैसे क्यों कब और वो क्या हुआ कि उसके बाद मेरी बॉडी पूरी तपने लग गई, बहुत गर्म हो गई, मतलब मुझे लगा कि मुझे फीवर हो गया। मैं सो गया 2-3 घंटे के लिए और मैं उठा तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था, बट ये टैटू करवाने के एक हफ्ते के अंदर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ और मुझे बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस था ये, कि जैसे मैंने ये हाथी सोच के करवाया था बट जब मुझे गणपति दिखे ना तो मुझे लगा कि ये एक्चुअली गणपति ने खुद साक्षात दर्शन मुझे देखे, यू नो ऐसा बोला कि ये यू नो तेरे लिए एक आशीर्वाद के तौर पे। मैं ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव करता हूँ एक्चुअली, बट मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, वो फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग लगा। सो ये है। फिर ये है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि आप सब कुछ हो और सब आपके अंदर ही है, सब आपके भीतर है।
जो पूरा यूनिवर्स है, जो भगवान है, सब कुछ आपके अंदर ही है। आप जिस चीज को बाहर ढूंढते हो सब आपके अंदर है। हर चीज अगर आप मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ दो तो सब आपके अंदर आपको मिलेगा। जब आप ध्यान लगाओगे, जब आप शांति से बैठोगे एकांत में, हर चीज आप अपने अंदर पाओगे। हर चीज का जवाब, हर चीज का सवाल आपके अंदर ही आपको मिलेगा। और कोई ऐसी चीज, ऐसी चीज है नहीं जो आपको बॉदर कर पाए अगर आप उसको बॉदर करने देना नहीं चाहते तो। आपको अगर किसी चीज से स्ट्रेस हो रहा है, आप शांति से बैठो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ऐसा है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बस यही है टैटूज और बाकी यही की ये है माँ लिखा है यहाँ पे। सो ये है बस, और यही बातें हैं। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है आपकी लाइफ में? मेरी मम्मी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं देखते आया उनको बचपन से, और हर सर्कमस्टेंसेस में वो मुझे एक इंसिडेंट याद है। मेरी बहन लखनऊ में रहती थी, तो मम्मी ट्रेन में लखनऊ जा रही थी और मैं उनको छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन तक, और हम लोग बहुत लेट हो गए थे और ट्रेन मुझे लग रहा था कि निकल जाएगी। और मेरी मम्मी को मैंने कभी भागते हुए देखा नहीं एज सच। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ट्रेन निकल जाएगी, अब आप छोड़ो, हम चलते हैं वापस घर, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि यार मम्मी को मैं एकदम ट्रेन तक कैसे बिठा के आऊँ, वो लेट हो जाएंगी भाई, और वो स्ट्रेस के चक्कर में कहीं भागते भागते कहीं पैर ना फिसल जाए, कुछ ना हो जाए ऐसा। तो मुझे बहुत स्ट्रेस था, मम्मी ने बोला नहीं चल। अब वो लिटरली भागी, उनके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ और मम्मी आगे आगे भाग रही है कि मैं ट्रेन पकड़ूंगी, और उन्होंने ट्रेन पकड़ी। और मुझे डाउट था इस बात पर कि वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगी, लेकिन वो उनके अंदर जब कुछ करने की विल पावर होती है ना भाई, मैंने उनको देखा है कि वो इतने इतनी पूजा, उन्होंने पूजा पाठ किया है कि पूरे पूरे दिन भूखा रहना, पूजा पाठ करते रहना, एंड जब किसी बात का वो दिमाग में सोच लेती हैं तो वो कर लेती हैं। विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है ना उनकी, टच वुड, वो चीज़ मैंने वहीं से सीखी है। मतलब यू नो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वहीं से मुझे वो सब सीखने को मिला है कि एक बार अगर कुछ करना है तो करना है, उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो। अभी पीछे उन्होंने फास्ट रखा था, जब पानी भी नहीं पीना था, खाना भी नहीं खाना था, और मैंने मम्मी को बोला कि मैं भी रखूँगा, और वो कुदरती पता नहीं कहाँ से ताकत आई और मैंने भी रख लिया उनके साथ। अच्छा। और वो हम दोनों ने फिर फास्ट रखा, वो ना पानी पिया पूरे दिन 24 घंटे, ना खाना खाया 24 घंटे, और फिर सुबह मम्मी ने मुझे उठा के बोला कि अब हो गए 24 घंटे, चलो खा लेते हैं। तो फिर हम सुबह 3-4 बजे उठ के कुछ खाया और फिर हम सो गए। सो वो है उनमें विल पावर, और मैं कम्प्लीटली आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय हर। अगर काम की बात करें तो आपने रियलिटीज ज़्यादा की हैं, सभी आई थिंक जब जो मैं कर रहा होता हूँ तब मुझे वही अच्छा लगता है, चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो, चाहे वो रियलिटी शो हो, चाहे वो फिक्शन शो हो। मुझे बस ये, मेरा बस ये बिलीफ है कि आप जहाँ पे हो आप वहाँ पे अपना 100% दो, ताकि आप रात को चांसेस होके सोते हुए ये सोच पाओ कि यार मैंने अपने तरफ से पूरा अपनी जान लगा दी, फल देने वाला वो है। यू नो कर्म अपना कर दिया, फल देने वाला वो है, और हर 100% मेहनत का आपको फल मिलता ही मिलता है, वो कहीं ना कहीं और से मिल जाए। अगर मैं जिम में मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी तो बनी रही है, लेकिन उस मेहनत का फल मुझे कहीं और से भी मिलेगा, क्योंकि मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ, ऑनेस्टी है वो चीज़ में। सो वो है जो लेटेस्ट सीरीज है उसकी आपने काफ़ी मेहनत की है, और कुछ लैंग्वेज पे ध्यान दिया है, फास्टिंग वगैरह, मैंने जो कुछ सुना है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या किया है आपने खुद के लिए। मुझे लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं ललित सर और निशित सर जो हैं राइटर सर, उन्होंने इतना प्यार से इस कैरेक्टर को बनाया है कि मुझे बहुत ही सारा एंथुसियाज्म आ गया था कि मुझे भी इसमें पूरी जान लगानी है। एंड वो छोटी छोटी चीज़ें सेट पे, यू नो शॉट के टाइम पे एंड ऑल दैट, वो करता करते 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 वो कैरेक्टर बहुत अच्छा बन गया। एंड इवन पीपल फ्रॉम जियो सिनेमा, उनको वो कैरेक्टर इतना पसंद आ रहा है कि आई एम सो थैंकफुल दैट पीपल आर ऑल्सो लविंग इट। कि चाहे वो यू नो वो एक्सेंट पकड़ने से लेके, चाहे वो फिटनेस पे ध्यान देने के लिए हो या कुछ भी हो, आई थिंक वो हर चीज़ में वो एकदम शुक्र है भगवान का कि अच्छा हो गया बस वो सब कुछ। आपने क्या क्या एक्स्ट्रा फोर्स डाले हैं जो प्रतीक नॉर्मल? मैं नॉर्मली ऐसे बात करता हूँ, मतलब मेरी टोन में आपको वो पंजाबी स्टाइल दिखेगा नहीं जब तक मैं बात नहीं करूंगा। सो वो जो चीजें हैं वो मैंने डाली एफर्टलेसली, एफर्टलेसली कह रहा हूँ, एफर्ट के साथ और कॉन्शियसली डाली मैंने। और वो कभी कभार क्या होता है कि आप, बिकॉज मैंने कभी शुरू से भी पंजाबी में बात नहीं करी लाइफ में, इवन दो मैं पंजाबी, बट मैं पंजाबी में बात नहीं करता, मेरी बहन करती है, मेरी मम्मी करती है, बट मैंने कभी ऐसी नहीं करी कि मैं पंजाबी में बात करूं। सो वो डालना कॉन्शियसली और उस चीज़ को पकड़ना और वो अच्छे से करना, कि वो क्योंकि अगर एक बंदा पंजाबी बोल रहा है यू नो बचपन से, तो वो दिखना चाहिए कि वो बचपन से बोलता आया है, वो यू नो अननेचुरल नहीं लगना चाहिए। तो उस चीज़ को पकड़ना, फिर अपनी बॉडी को इतना रिप्ड रखना और वो सब यू नो शूट पे गर्मी में गोवा में एंड ऑल दैट। सो है मुझे याद है, तो मेरे डायरेक्टर सर ने बोला कि तेरा इंट्रोडक्शन शॉट है बहुत, मतलब इस पे तू देख लेगी, इसी के बेसिस पे तेरा पूरा जर्नी जो है, ऑब्वियसली अगर आप पहली बार किसी को देख रहे हो तो आपका इंप्रेशन बन जाता है थोड़ा, तो वही मेरा वो पहली बार देखने वाला शॉट था। एंड उस पर मैंने सोचा कि अब जो भी है मतलब अपना 100% दूंगा। इट्स नॉट हेल्दी बट आई जस्ट थॉट कि आई शुड जस्ट डू वट एवर आई कैन, यार कितना भी मैं कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। एवरीथिंग इज ओके, आई मीन आई एम कम्प्लीटली, आई नो मैं बहुत टाइम से चीज़ें करता हूँ तो मुझे पूरी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में।
और मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई इन चीज़ों को करे अनलेस आपको नॉलेज है, अगर आप मेडिकल सुपरविजन के अंडर नहीं हो, बिकॉज ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है, बट हमें पता है कि कैसे करना होता है तो हम करते हैं, बट या एज एन आर्टिस्ट हमें करनी पड़ती है कई सारी चीज़ें। जितना मैं आपको जान पा रही हूँ, आपके बहुत सारे एथिक्स हैं, रूल्स हैं, विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, सब कुछ है। जब वेब शोज में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेक भी होती हैं, टीवी और बॉलीवुड के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है। सो अगर मैं बोल्ड सीन्स वगैरह की बात करूँ तो आई ओपन फॉर दैट, आई थिंक आपने वो आंसर से मैंने किया था एक पहले शो या राइट, और मुझे लगता है कि अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है, अगर स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं है और अगर आउट ऑफ द स्क्रिप्ट जाके कुछ करना है तो वो कोई पॉइंट नहीं है मुझे लगता है। यू नो हॉलीवुड में भी होता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी को जज नहीं करता, तो यहाँ पे क्यों किसी को जज करना है। यू नो अगर 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 स्टोरी में ही ऐसा है कि कुछ यू नो अगर आपको करना है और स्टोरी आपकी कुछ ऐसी है कि क्या रणबीर कपूर किस नहीं करते, करते हैं, श्रद्धा कपूर किस नहीं करती हैं, आलिया भट्ट किस करती हैं, वरुण धवन सब किस करते हैं, बट बिकॉज वो स्टोरी की डिमांड होती है। ऐसा नहीं है कि वो किस करने के लिए कर रहे हैं फिल्म, स्टोरी में है तो वो कर रहे हैं। सो अगर स्टोरी में है तो कोई ऐसी ऐसा नहीं है कि मैं तो भाई नहीं करने वाला यार, ये तो मैं नहीं, मैं भाई बिल्कुल एकदम कंजर्वेटिव हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। स्टोरी की जहाँ डिमांड है वहाँ पे बिल्कुल 100% मेरी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर स्टोरी में नहीं ज़रूरत तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा, और वो एक अच्छा डायरेक्टर और अच्छा राइटर जो है वो समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लाइक दैट। एज एन एक्टर कभी आपने फील किया है कि ऑफर्स तो आपको बहुत आए होंगे कि वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए या लोगों को लुभाने के लिए कुछ ऐसे सीन्स जबरदस्ती डाले जाते हैं, कभी आपको ऐसे कुछ? अगर ऐसा है तो फिर मैं वो स्टोरी नहीं करता ना, फिर मैं आई एम वेरी चूजी, बिकॉज मैंने ये सीरीज करने से पहले भी कई सारी चीज़ें छोड़ी, टेलीविजन की कुछ चीज़ें छोड़ी जो मुझे लगा कि डाउटफुल है, कि मुझे लगा कि यार नहीं, मतलब मैं इधर उधर हो रहा था कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कुदरती ऐसा आया कि मुझे ये कैरेक्टर सुन के लगा कि मुझे यही करना है, और वो सब चीज़ें मैंने फिर छोड़ ही दी। मुझे लगा कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी डाउटफुल होता ना वो मैं नहीं करता फिर चीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर यू नो आधे दिल से करने का कोई पॉइंट नहीं है, करना है तो पूरे दिल से करो, लाइक दैट। हाउ अबाउट योर फ्रेंड सर्कल इन इंडस्ट्री, किस तरह के हैं, कौन कौन है बेस्ट फ्रेंड जो कभी 2 AM 3 AM कभी भी चलो भाई कॉल उठाओ बुला लो? मैं वो बेस्ट फ्रेंड हूँ जो 2 AM 3 AM सबका कॉल उठाता है, ऐसा है? अच्छा, या सो नहीं मेरे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब मेरे बहुत सारे कई दोस्त हैं मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, इंडस्ट्री के बाहर भी मेरे बहुत दोस्त हैं, स्कूल के कॉलेज के और अदरवाइज भी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो बहुत खास हैं, जो मुझे पता है कि मेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सो या है काफ़ी अच्छी दोस्तियाँ हैं मेरी, और बस मुझे इतना लगता है कि मैं किसी को परेशान ना करूँ कभी। अच्छा। मुझे लगता है कि यार क्यों किसी को तकलीफ देनी, हम अपने आप संभाल लेंगे अपनी हर चीज़ को, तकलीफ क्यों देनी किसी को, लाइक दैट। ऐसा है जो आपने मुझे पॉइंट दिया था बात करने के लिए, रिलेशनशिप में चीट नहीं करता, क्या स्टेटस है, कब तक सिंगल रहना है, मतलब कोई जब तक है जान, जब तक है जान, ये तो बड़ा स्टेटमेंट हो गया, सही है ना, और क्या क्या जरूरत है, सिंगल रहना बेस्ट है आई थिंक, सिंगल रह के आप अपनी हर चीज़ पे फोकस कर सकते हो, मेरी सारी अटेंशन मेरी फैमिली के पास है और मेरे काम के पास है बस। तो कभी शादी वादी नहीं करनी? सिंगल फॉरएवर, सिंगल फॉरएवर हैप्पी। कितनी लड़कियों का दिल टूट गया होगा, वो भी वैलेंटाइन, बल्कि दिल तोड़ा नहीं मैंने किसी, अगर मैं शादी कर लूंगा तो फिर शायद दिल टूट सकता है, क्योंकि ऑप्शन ओपन की ना क्लोज हो जाएंगी, अभी तो ऑप्शन ओपन है ना सारी, कोई ऐसी बात ही नहीं है, शादी नहीं करनी बस, बाकी क्या टेंशन है, बाकी तो नहीं, बाकी कुछ नहीं एक्चुअली, नहीं बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा संत आदमी हूँ और मैं खुश हूँ सिंगल, और सिंगल ही रहना चाहिए, इट्स गुड टू बी सिंगल। ओके, आखिरी में जानना चाहूँगी, बिग बॉस फिनाले के कगार पे है और आप उसका अहम हिस्सा रह चुके हैं, हाउ डू यू सी दैट दिस सीजन, किस तरह से आप देख रहे हैं? मुझे याद है कि जब हमारा फिनाले था, फिनाले एक बहुत ही ऐसा टाइम होता है कि आप जब एक शो को पूरा करने यू नो शुरू से शुरू के बाद एकदम एंड तक रैप अप करते हो ना, तो वो अलग ही फील है एक, मतलब वो लगता है कि यार इट्स लाइक अ वेरी, आप अंदर जब, मुझे याद है जब मैं था फिनाले के टाइम पे, तो अंदर से जब बाहर से क्रू आ रहा था एंड ऑल दैट, सो वो आपको एक आंखों में ना उनकी चमक थी आपको देखते हुए, मुझे देखते हुए लोगों की आंखों में चमक दिख रही थी मुझे, कि यार मतलब मैंने कुछ किया है, तो वो बहुत खुशी मिलती है दिल को। तो मैं आई वुड जस्ट से कि अभी लोग तो जो अंदर है वो सुन नहीं पा रहे होंगे मुझे, बट मैं इतना बोलूँगा कि इस मोमेंट को जिंदगी भर हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहना, क्योंकि ये बिग बॉस का एक्सपीरियंस एक इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और वो वापस नहीं मिलने वाला। ट्रॉफी कोई भी जीते भाई, जो 100 दिन या 150 दिन वहाँ पे काट के रह लिया ना, वो सब ट्रॉफी के हकदार हैं, सब जीत के हकदार हैं, सब जीत चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप से लड़ाई है, वो मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, वो मेरी खुद से लड़ाई है कि भाई एक दिन और रहना है, एक दिन और रहना है, एक दिन और रहना है, एक दिन और गिनना है, काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं। सो वो हर वो पल इतना ब्यूटीफुल है, आई वुड जस्ट से व्हेनेवर एनीवन कम्स आउट एंड सीज दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल, और जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है, शो के बाद असली जिंदगी शुरू होगी। या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच प्रतीक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।